गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि काफी संख्या देखने जा रही है उसका, एक जगह पर पी रहे हैं लोग, उससे भी कोरोना फैलने के आसार बढ़ जी मैं खासतौर पे आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हरियाणा गांवों का प्रदेश कहा जाता है और यहाँ पर सामाजिक समरसता और सामाजिक भाईचारे के लिए ये प्रसिद्ध है। उस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमने हर गांव में, शहरों में भी जगह जगह कुछ पंचायती भवन, सामाजिक चौपाल बनाई हुई है। तो इस समय मेरी अपील है कि आप लोग उन सामाजिक चौपालों और सामाजिक भवनों का यूज़ ना करें, उन्हें लॉक कर दें। कोरोना नामक संक्रमण इनविजिबल है और इससे हम 1-to-1 फाइट नहीं कर सकते, हम सभी को इकट्ठा होकर लड़ना होगा। जितने भी दरवाजे, चाहे आप अपने घर के हैं, चाहे आपके मंदिर के हैं, आपके धर्मशाला के हैं, आपके चौपाल के हैं, पंचायत भवन के हैं या किसी और संस्थान के हैं, सभी दरवाजे आप कोरोना के लिए क्लोज कर दीजिए। यही एक अपील है, यही बचाव है, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग, जितने भी भिवानी वासी हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपका भाई बहन है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में देखकर आप जवाब दीजिए कि क्या मैं कोरोना संक्रमण को आने दे सकता हूँ अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने देश में। अगर आप उसको जवाब दे सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बिल्कुल कोरोना को अपने घर में, अपने आसपास नहीं आने देंगे। सूचना और सुरक्षित रहना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही इसका बचाव है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब सूचनाओं को शेयर भी करें, आपस में एक दूसरे से बात करें, लेकिन फ़ोन पर करें या एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करें। आपस में मिलने जुलने का समय भी हमें मिलेगा, हमें अपने त्यौहार मनाने का भी समय मिलेगा, हमें हर वो उत्सव सेलिब्रेट करने का समय मिलेगा जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए अहम मानते हैं, चाहे वो बच्चे का बर्थडे है, शादी है, ब्याह है या और कोई भी आपका सामाजिक ओकेज़न है। बट आज बच जाएंगे तभी हम कल वो मना पाएंगे। आपसे अपील है, दूर रहिए, बचकर रहिए और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखिए, खुद के साथ, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपने शहर, गांव, देश को बचाइए।